अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया व्लॉग है। इस वक्त हमने जाना है सेवन ब्रदर्स और कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपसे शेयर करेंगे, नई अपडेट्स। हम आ गए रावलपिंडी चार सुल्तान और यहाँ पे अभी हमने सामान ढूंढना है इंडस का। अभी एक दो शॉप्स पे विज़िट कर चुके हैं, अभी एक बंदे का वेट कर रहे हैं। तो ये PSO पम्प के करीब अभी हम आए हुए हैं। यहाँ पर डिफरेंट गाड़ियों का सामान वगैरह होता है। आमिर भाई साथ है मेरे, अभी देखते हैं क्या चीज़ फाइनल होती है जी। अभी हम रावलपिंडी ऊपर एक शॉप में आए थे और ये वाले दरवाजे हैं जो अभी देखे हैं, आमिर भाई ने चेक किए हैं, हमारे कलर के मुताबिक है। तो नोस्कट हमने देखने हैं, मरगाड़ देखने हैं और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देखनी है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। एक तो यहाँ पर घरों के अंदर सामान है ना, तो उसकी वजह से खैर अभी नीचे चलते हैं और आगे का दिखाते हैं आपको। ये देखें इस साइड पे और मज़ीद सामान है, बम्पर्स वगैरह हैं और फिंडर्स हैं, बोनट है, ये चीज़ें ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी जो जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखते हैं हम, हमें मज़ीद और क्या चाहिए होगा। बम्पर किस गाड़ी का है ये पूछते हैं भाई से। इसके अलावा नोस्कट हमने लेना है और जो छोटी मोटी चीज़ें आमिर भाई देख रहे हैं उनके साथ। ये SEG वाले सीट के कवर पड़े हुए हैं, डुअल एग्जॉस्ट की जुगाड़, ये ढोलकी और ये आपको नज़र आ रहा होगा पाइप अलहदा से लेके गए हुए। तो ये जुगाड़ लोग लगा लेते हैं अक्सर, मगर ये है कि चलो वर्किंग में तो होता है, वरना अक्सर लोग तो आर्टिफिशियल बस वो गुजारे लाइक काम करते हैं। डोर्स मेरा ख्याल हमारे वही रेड वाले जो है ना फाइनल होने वाले हैं। हमने नया जो सामान परचेज किया है करोला, हमारा जो प्रोजेक्ट जा रहा है करोला AE101 का, उसके फिंडर्स हैं। और हमें सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमें सारे जो पार्ट्स हैं वो मेहरून ही मिल गए हैं, जो हमारी गाड़ी का कलर है। तो इनर वाला शायद हमारा पेंट जेन्युइन रहे इन चीज़ों की वजह से। ये एक साइड मिरर एक्स्ट्रा मंगवाया है क्योंकि एक ख़राब था और उसकी सारी कम्प्लीट वायरिंग वगैरह है हमारी। ये है, ये भी दरवाज़ा है, ये नोस्कट मंगवाया था मगर इसको हम चेंज कर लेंगे क्योंकि इसमें रस्ट आया हुआ है, तो फ़ायदा नहीं पैसे भी भरें और रस्ट वाली चीज़ लगाएं। तो ये कंप्लीट डोर्स हैं जी, डोर कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें, देखते हैं अगर नज़र आ जाए। एक एक तो मिट्टी से भरे हुए हैं, ये देखिए जी पावर वाले हैं और जैसे GLI के आते हैं उस तरह के, अच्छा काम हो जाएगा हमारा, यानी कि थोड़ी जो जेन्युइन टाइप लुक रहती है वही रहेगी। तो ये चारों डोर हो गए और ये वेदर स्ट्रिप इस पर क्योंकि ब्लैक लगी हुई, हमने ब्लैक नहीं यूज़ करनी, हम क्रोम वाली यूज़ करेंगे, ये क्रोम वाली हमारी स्ट्रिम्स हैं। नेक्स्ट डे है और हम सेवन ब्रदर्स पे मौजूद हैं। हमारा प्रोजेक्ट करोला AE101 का चल रहा था, जैसे कि आपने देखा था मैंने कुछ पार्ट्स की परचेजिंग वगैरह की थी, ले के आए थे। तो अभी हमारे पास पार्ट्स में क्या क्या अवेलेबल है जी, हमारे पास फ्रंट का पूरा बम्पर अवेलेबल है, नोस्कट था, चेंज किया है नहीं किया है वो आमिर भाई से मैं अभी पूछ के बताता हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था और ज़ाहिर है अभी तक वो ईद वाला माहौल जो है ना छुट्टियों का वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़े डिलेज हैं पार्ट्स में। और विकी भी आ गया घूम घाम के छुट्टियाँ मना के क्वेटा से। तो बम्पर लाइट्स ग्रिल रहती है हमारे पास, फ्रंट की हमने शील्ड्स ख़रीद ली हैं, बैक का गार्निश लाइटें ब्रांड न्यू ख़रीद ली है। उसके अलावा जी हमने डोर्स ख़रीद लिए थे, ये रे कंप्लीट मैरून है और इसके पुराने डोर्स भी दिखा देता हूँ, ऐसे ना हो भाई लोग समझेंगे भाई पता नहीं पुराना सामान उठा के दिखा दिया। तो ये देखें जी AE100 के स्टेम, इस पर वो लिखा हुआ है, स्टेम कह रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है। इस नई प्रोग्रेस ये है कि बैक का फिंडर छील दिया है और अभी इस पर प्रोसीजर ये स्टार्ट हो रहा है, फुटबोर्ड से लेके बैक फिंडर, बैक फिंडर के बाद इसकी ट्रंक, इसका बोनेट ये क्लियर होगा, फिर उसके बाद जो है नीचे नीचे जो जो जहाँ पे पीस लगाने फ्लोरिंग वाला जो काम होगा ना उसको हमने करना है क्लियर। उसके बाद जो है हम इस पर फर्दर, मैंने तो वैसे आमिर भाई को बोला है छत भी शुरू कर दें, स्क्रीन उतारनी है फ्रंट बैक की, स्क्रीन की मोल्डिंग्स भी खत परचेज करनी है हमने और फ्रंट की ग्रिल हमने लेनी है जिटोरिंग वाली, वो ब्रांड न्यू जो होती है वो एक दोस्त के पास पड़ी हुई है ब्रांड न्यू, यानी वो शॉप वाले ही हैं उनसे लेंगे। दूसरी साइड का भी दिखाऊं तो जी दूसरी साइड पे जो फिंडर है वो भी छील रहे हैं, तो प्रोग्रेस माशाल्लाह अच्छी है। इसके रिगार्डिंग अब फर्दर जो भी काम होते रहेंगे इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे। पार्ट्स का मैं आपको कह रहा था, तो जी ये देखे पुराने दरवाजे पड़े हैं, वो नए दरवाजे पड़े हैं, ये चारों पुराने दरवाजे हैं,
जो कि यूज़लेस है। फिंडर हमारा ये पुराना पड़ा हुआ है, डोर्स हमारे चारों ये पड़े हुए हैं, फिंडर इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हमारे नए वाले फिंडर्स, जिसका अगर देखें एम्बलम भी लगा हुआ है ये। तो बस ये था जी, इसके अलावा हमने जो छोटा मोटा पार्ट परचेज किया वो साथ साथ दिखाएंगे। रेडिएटर का आपने देखा था, ले तो लिए पर वो फिट नहीं किया, फिट ना करने की वजह यही है कि अब हमने नोज़ कट का करना। काफ़ी भाई बोल रहे थे कि भाई आपने क्यों चेंज करनी इसकी नोज़ कट या ये फ्रंट की पट्टी वगैरह, इसमें क्या मसला है। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ओपन हुई भी है कि तो इसकी कंडीशन कैसी है, आप इस साइड से देख लें। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं, होल्स वगैरह, और ये सारी साइड है नीचे से गार्ड रही। आपको थोड़ा क्लोज़अप दिखाता हूँ, ये देखें जी सुराख नज़र आ रहा है आपको। तो ये देखें, ये मामला है, इसकी वजह से ये चेंज करनी है। और ये देखें, सामने ही नज़र आ रहा होगा क्लियर अगर आपको, तो सारी डैमेज है वो अंदर के हालात देखें। तो ये सारे मामलात हैं जो कि ठीक नहीं है, हमने ठीक करने, और आगे ये यूज़ होगी ना गाड़ी तो कम से कम बंदा मुतमईन रहेगा यार, अब काफ़ी टाइम निकाल लेगी। इसी तरह अब इसके फुटबोर्ड आपको दिखाता हूँ, अंदर से थोड़ा सा दिखाता हूँ जो जो इश्यूज़ हैं। तो पैनल की कंडीशन बहुत ही बुरी है, यहाँ से आप देखते हैं तो ये देखें जी पैनल्स, इसमें सुराख फिलिंग्स की भी थी, उसकी वजह से पता ही नहीं चलता था। काफ़ी लोगों को इस चीज़ के हवाले से कुछ इलम ही नहीं होता, वो कहते हैं भाई बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी थी, मसला ही नहीं था, काम तो इतना है नहीं, हमारी गाड़ी बड़ी साफ़ है। मुझे बहुत से दोस्त ऐसे कमेंट्स करते हैं, अक्सर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, भाई हमारी गाड़ी तो नीचे से बहुत ही साफ़ सुथरी है। तो अब ये भी आपके सामने है भाई, ये भी नीचे से बड़ी साफ़ सुथरी लग रही थी, पर अब जितना छीलते जा रहे हैं उतना पता चल रहा है। ये देखें पीसेस वगैरह लगे हुए हैं और कितने गंदे तरीके से काम हुआ है इस पर। और ये देखें होल, पूरा पूरा होल है जी, गला हुआ है। तो ये सारे कुछ पीसेस लगाने, कुछ ऐसी चीज़ें ये आपको दिखाना इसलिए बनता है कि आप लोगों को कम से कम चीज़ समझ जाए, पता लगे कि भाई जब गाड़ी का काम करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रही आती, और डेंटर कहता है भाई काम बड़ा है, पैसे हम ज़्यादा लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको आम बंदे को नहीं समझ आ रही होती, और इसी के पैसे भरने पड़ते हैं। तो अब यही पीछे से देख लें हालात, ऊपर से मैं आपको इसकी छत दिखा दूँ तो ये देखें जी ऐसे डेंट से भरी हुई है, खड्डे ही खड्डे, ये डेंट आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने इसी छत को ठीक करना है, ट्रंक हम यही यूज़ कर रहे हैं, बोनट हम इसका ओरिजिनली यूज़ कर रहे हैं, बस उसका जाला थोड़ा कमज़ोर सा है, उसको हम सेट करेंगे। दूसरी साइड पे आ जाते हैं तो ये देखें जी लाइट वाली जगह, ये सुराख नज़र आ रहा होगा अब आपको। तो बात यही है कि इस टाइप की चीज़ें जो है आम बंदे को नहीं समझ आती, नहीं नज़र आ रही होती। अब इस पर फिलिंग हुई हुई थी, हमें भी क्या पता था कि यहाँ पर सुराख है, जब पहले लाइट लगी हुई थी मुझे भी नहीं था आइडिया। ऐसे पिंडर देखें अजीब से हुए में गले हुए, सारा रस्ट है, ये सुराख देखें जी। तो ये सारी चीज़ें जिससे बड़ा इशू होता है, ये देखें फुटबोर्ड पूरा पूरा सुराख है जी। इसी तरह आगे वाले के भी हालात ऐसे हैं, अंदर से देखें वो सुराख देखें, इस साइड में वायर के नीचे सारा सुराख है। ये हालात हैं इस गाड़ी के। भाई पूछ रहे थे मुझसे, पूछते भी हैं कि क्या आप हमारे लिए प्रोजेक्ट करेंगे, या कोई ऐसा बंदा होता है आउट स्टेशन जिनके पास टाइम नहीं होता, वो बोलते हैं भाई आप हमारा प्रोजेक्ट करेंगे। तो भाई मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, कुछ दोस्तों के मैंने प्रोजेक्ट करके भी दिए हैं, और ये अभी नहीं काफ़ी पहले से कर रहा हूँ। कोई इसी को हेल्प चाहिए होती है गाइड कर देते हैं, कोई चाहता है कि आप प्रोजेक्ट ही पूरा कर दें हमारे लिए करें, हमारे पास टाइम एफर्ट नहीं है, तो हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं। यानी कि मैं पर्सनली अपना प्रोजेक्ट खुद तो करता हूँ, पर अगर कोई करीबी दोस्त हो या अच्छा मुझे प्रोजेक्ट समझ आ रहा हो तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स मैं लेता हूँ, और मैं उसको पूरा करके भी देता हूँ, चाहे इंजन मैकेनिकल हो या पूरी रिस्टोरेशन हो, कि हमने खाली परफॉर्मेंस पे जाना है या पूरा पैकेज पे जाना है, वो सारा काम मैं खुद भी करता हूँ। तो कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो वो रीच आउट कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ अपने को कि मुझे प्रोजेक्ट दें या मैं बनाऊँगा, मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो ये उन भाइयों के लिए जो मुझसे पूछते हैं, जो मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ ये मालूमात।
आमिर भाई से मैंने पूछा है नोर्स कट का क्या हुआ, तो नोर्स कट का कह रहे हैं कि वो अभी ईद वाला माहौल ही चल रहा है, तो जब आ जाएंगे ओपन होती है तो वो मैं रिप्लेस करवाता हूँ, मगर मीन वाइल जो है इस वक्त वो बाकी काम स्टार्ट हो चुका है। ये अच्छी बात है गाड़ी के रिगार्डिंग, टाइम इस पर बड़ा लगना है पर इंशाल्लाह एंड रिजल्ट अच्छे होंगे, होगी तो स्टॉक पर एक साफ़ सुथरी अच्छी राइड हमारी इंशाल्लाह तैयार होगी। बाकी जो चीज़ें होती जाएंगी प्रोसीजर होगा वो आपसे शेयर करता रहूँगा, और ऐसी कोई नई ताज़ी इसके रिगार्डिंग नहीं है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ रिगार्डिंग AU101 GLI हमारी करूँगा। सब अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।